हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संध्या। आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम होम्योपैथी से रिलेटेड मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन एलेक्ट्रिस फेरिनोसा के बारे में। एलेक्ट्रिस फेरिनोसा फ्रेंड्स, इसका कॉमन नेम है स्टार ग्रास, और ये होम्योपैथी में फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर इसके स्फेयर रिएक्शन की हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो फ्रेंड्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ ये रेक्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी हैं, जैसे रेक्टम, एनस, ये वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में। अगर क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स हम, तो ये एनीमिया के केस में और डिस्मेनोरिया के केस में बहुत अच्छा काम करती है। प्रेगनेंसी में भी ये दी जाती है फ्रेंड्स मेडिसिन, और ये स्टमक में भी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। तो अब चलिए जानते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम इसका माइंड देखें तो जो भी पर्सन होगा वो बहुत ही एनीमिक होगा, वीक होगा, और उसका जो कंसंट्रेशन लेवल होगा वो बहुत ही लो होगा, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा अपने लाइफ में कि उसे क्या करना है, और बहुत उसकी जो फीलिंग होगी कंफ्यूजिंग रहेगी, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल होगा वो लो रहेगा, और उसे अक्सर चक्कर से आएंगे। अगर इसके हम स्टमक के बारे में देखें तो फ्रेंड्स, इसको भूख नहीं लगेगी, हमेशा वॉमिटिंग सा फील होगा। ये स्पेशली उन प्रेग्नेंट लेडी में भी दी जाती है जिन्हें जिन्हें किसी भी खाने से, को सुनने से या उन्हें देखने से उन्हें वॉमिटिंग सा फील होता है, उन्हें भारीपन सा लगता है पेट में, तो ये वहाँ भी बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर फ्रेंड्स अगर हम फीमेल्स में देखें तो ये उन फीमेल्स में बहुत अच्छा काम करती है जिनमें खून की कमी होती है और जिन्हें भूख नहीं लगती है, बहुत ही दुबले पतले से होते हैं, तो उन फीमेल्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही साथ उसमें वहाँ भी अच्छा काम करती है जहाँ डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है, मेट्रोरेजिया की प्रॉब्लम होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, साथ ही साथ पेन होता है बहुत ज़्यादा, उन्हें उनके पीरियड्स क्लॉटेड होते हैं और हैवी होते हैं, बहुत ही डार्क होते हैं, उन केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये ल्यूकोरिया के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। जिन फीमेल्स में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है वो उससे बहुत परेशान है, प्रोफ्यूज है और वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो उन फीमेल्स में भी ये मेडिसिन दी जाती है जिससे उनकी प्रॉब्लम्स में कमी आती है। फ्रेंड्स, अगर हम एलेक्ट्रिस फेरिनोसा मेडिसिन की पोटेंसी की बात करें तो ये मदर टिंचर फॉर्म में दी जाती है, जहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है, और कहीं कहीं पर ये थर्ड पोटेंसी में भी दी जाती है जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर इसके डोज की बात करें हम फ्रेंड्स, तो ये हाफ कप ऑफ वाटर में आधे कप पानी में ये 10 बूंद मिला करके सुबह शाम देने से बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को दे रहे हैं जिन्हें चक्कर आने की या भूख या खाने की वजह से वॉमिटिंग होने की शिकायत है, तो उन्हें 5 बूंद सुबह शाम दी जाए तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी, उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर किसी डिस्मेनोरिया के केस में किसी जिस लेडी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, पेन की प्रॉब्लम है, तो उसे 10 से 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम देने से उनकी प्रॉब्लम में बहुत जल्द आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर एलेक्ट्रिस फेरिनोसा के डोजेस, और फ्रेंड्स अगर इसके बारे में आपको और जानकारी लेनी हो तो आप अपने किसी होम्योपैथी कंसल्टेंट से इसके बारे में और जानकारी ले लें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ये ले रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के इस मेडिसिन को लें। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन
फीमेल के हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो कोरिया में भी ये दी जाती है, ब्लीडिंग में भी दी जाती है, जिसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जिसे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के समय, बहुत ज़्यादा क्लॉटेड या डार्क डिस्चार्ज हो रहा है, या किसी फीमेल को भूख नहीं लग रही है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, कमजोरी सा फील होता है, या जिसके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत थका हुआ महसूस करती है अपने आप को, कॉन्सेंट्रेट लेवल जो उसका है वो कम है, बहुत वीक है, तो उस पर्सन को ये मेडिसिन दीजिए जहाँ ये बहुत अच्छा काम करती है। मैंने अपने कई पेशेंट्स में ये दिया है मैंने, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। फीमेल के लिए ये एक टॉनिक की तरह है। आज के टाइम पे हर फीमेल को ऐसी किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।